इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया की पांचवी बड़ी मीशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत बनने जा रही है। और हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखिए, एप्पल फ़ोन जो है खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाय से 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, उनके लोग वहाँ पर रहकर काम करना प्रेफर करते हैं। चाइना जैसी एक बड़ी कार की जो कंपनी है BYD, वो भी इंडिया में जाकर अपनी जो कार्स हैं वो मैन्युफैक्चर करना चाह रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ख़राब है कि लोग यहाँ से परचेज करना, आपको पता है जो महंगी से महंगी गाड़ी है वो हम इंडिया से यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, एंड स्टिल हम कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं कर रहे भारत के साथ। आपको क्या लगता है वैसे भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए? अगर मैं ये बात करूँगा कि हमें ये करनी चाहिए तो वो कहेंगे कि शायद इसने कश्मीर का सौदा कर लिया। हमारे दरमियान जो हमारी ईगो है वो हमारा कश्मीर है, अगर कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए तो हमें इंडिया से करने में कोई कबाहत नहीं है कि हम अगर बाकी मुल्कों के साथ कर रहे हैं तो फिर इंडिया क्यों नहीं, इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क। IMF ने प्रेडिक्ट किया कि 2024 में जो है $4 trillion की जो है वो इकॉनमी जो है वो इंडिया बन जाएगी, तो कोई शक नहीं भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की कोशिश है कि आने वाले कुछ सालों में जो है ना चौथे या तीसरे स्पॉट पे जो है वो आया जाए। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे मतलब हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं कि इंडिया की बहुत कोशिश है कि जो तीसरे नंबर का स्थान है वो इंडिया को मिले इकोनॉमी में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो रिएक्शन वीडियो है ये हम लोग लाए हैं पाकिस्तान की जो मीडिया है उनकी रिएक्शन, उनकी रिएक्शन क्या है कि गाइस भारत जो है, इंडिया जो है वो $4 trillion पे पहुंच चुका है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे डेवलप कर चुका है एंड पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। एंड गाइस, इंडिया ने तो यहाँ तक की अपनी बहुत सारी न्यू चीजें बनानी भी स्टार्ट करती है, लाइक टेस्ला गाड़ी भी अब इंडिया में ही बनने लगी है, खुद की एप्पल स्टोर सब इंडिया में ही हो गया, एंड एप्पल भी अब तो गाइस ज्यादातर चीजें मेड इन इंडिया हो गई है, ना कि मेड इन चाइना। इंडिया में भी अब मेड इन इंडिया चीजें बिकने लगी है, जो पहले चाइना की आती थी इंडिया में अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना कि इंपोर्ट कर रहा है। एंड गाइस, पाकिस्तान अभी बेचारा इंपोर्ट पे ही लगा हुआ है। एंड गाइस, जो पाकिस्तान है वो अभी बाहर से इंपोर्ट ही कर रहा है, एक्सपोर्ट तो उसका बेचारे का है ही नहीं कहीं पे, बस उनकी मारुति सुजुकी थी जो कि गाइस अब बेचारी पुरानी हो चुकी है, उसको कोई खरीद भी नहीं रहा है, वहीं की वहीं पड़ी रहे। एंड गाइस, जो भारत है वो मोदी ने इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि गाइस उसकी तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है इकोनॉमिक्स के तहत। और गाइस, आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, एंड पाकिस्तान गाइस सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही ध्यान देता है, यानी कि आतंकवाद में ध्यान देता है, उसे सिर्फ और सिर्फ है कि इंडिया से दुश्मनी है तो इंडिया से दुश्मनी है, बस उससे दुश्मनी रखनी है। एंड गाइस, इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, इंडिया पाकिस्तान को भी अपना फ्रेंडली लेके चलता है, तभी तो गाइस आज इंडिया मोदी जी की वजह से इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें, मतलब वो 17 trillion की इकोनॉमी है, और फिर उसके बाद अमेरिका की बात करें तो उसके आंकड़े उससे भी कहीं ज्यादा, यानी कि 26, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ह्यूज गैप है। लेकिन ये कि थर्ड नंबर के स्पॉट पर मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो आ सकता है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिया हर सेक्टर में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता ही है। बाकी लेकिन जहां तक मैं देखूं कि ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ, मे बी आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक हमें ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक मिल जाए, लेकिन अगर जो बिजनेसमैन है अडानी, उन्होंने ये चीज बोली है, तो कहीं ना कहीं पर कोई बात तो चल रही होगी ना, या कोई ऐसी न्यूज सामने आई होगी जिसकी वजह से उन्होंने ट्वीट किया होगा। बिल्कुल भाई, देखें जब इतने बड़े जो आदमी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जब वो ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बहुत सॉलिड न्यूज होती है जिसपे जो है वो इंडियन इकोनॉमी की जो कि तीसरे नंबर पर भी है, साथ में देखा जाए तो 4 trillion की इकोनॉमी बन चुकी है। क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो इंडिया है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा छाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ, वो उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके गया है, और उसने अपार्ट फ्रॉम के मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया है। वाकई उसकी इकॉनमी आप देख लें, वो उसने जो अभी उनके मुल्क में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है वो उनकी सबसे बड़ी जीत है, G20 मीटिंग हुई। बिल्कुल, वो जो मीटिंग हुई है उसमें वहाँ पे आना इंडिया में, ये उनके लिए बड़ी खुशाइंद बात है, और ये इसलिए उनके जो है बिजनेस के कॉरिडोर जो है वो ओपन हो चुके हैं। और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है,
जो मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे क्लास वालों तक तकरीबन 35 स्टूडेंट्स जो बाहर जा चुके हैं, मैं अपनी बात करूँगा, तो आप इस रेशियो से देख लें कि लोग कितने बाहर जा चुके हैं। अभी जो रिसेंट एक न्यूज़ आई है उसके मुताबिक लोग पाकिस्तान से स्विच करके अपना बिजनेस वो बांग्लादेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा वो मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है बिजनेस के लिए। और यहाँ पे आप देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मानचेस्टर था फैसलाबाद, उसमें से कितनी लूम्स चल रही हैं और वहाँ पे क्या लोग क्राइसिस का शिकार है, बहुत बुरे हालात हैं। और क्राइसिस वगैरह तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हमें नजर आ रहे हैं। भारत के अंदर आपको हर वो एक इंडस्ट्री मिलेगी जो कभी आपको चाइना में मिलती थी। आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर आपको एप्पल स्टोर मिलेगा, वहाँ पर आपको टेस्ला जैसी गाड़ियाँ वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, एलन मस्क की बड़ी से बड़ा ब्रांड वहाँ पर नजर आ रहा है, आईफोन खुद इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि एक चीज ये नजर आ रही है कि मेड इन इंडिया बहुत फेमस हो रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाए ना कि जो मेड इन इंडिया है उनका रेट्स क्या है, और जो पाकिस्तान में बन रही है हमारे पास है क्या? एक सुजुकी है ना, तो वो आल्टो की कीमत अब 30 लाख हो गई है, आल्टो में है क्या? वो टीन डब्बा ही है ना, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। इंडिया तो टेस्ला जैसी वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रहा है, उनके पास तो अब मेरे ख्याल से उन्होंने वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी शुरू कर दिया। मर्सिडीज बेंज उन्होंने बनाई वो टोटली इलेक्ट्रिक थी। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या लगता है कि ब्रेन्स की कमी है, इकोनॉमी क्यों डाउन इतनी ज्यादा नजर आती है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आती है यहाँ पर? आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तो देख लेना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसके साथ क्या किया जा रहा है, उनका लीडर अंदर डाल दिया, जो बंदा उसका नाम लेता है उसको अंदर डाल रहे हैं, तो इस तरह इंस्टेबिलिटी होती है। लोगों में ये खौफ चला गया है कि अगर ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं तो ये हमारे साथ क्या करेंगे, ये हमारे सगे कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमारे मुल्क में तो वो आ ही नहीं रही ना, लोग ही नहीं आ रहे, मतलब जमहूरियत नहीं है। हम इंडिया को कहते हैं कि इस वक्त इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं ये मतलब कहूँगा, मैं वो दुश्मन हमारे ज़रूर हैं लेकिन उनके पास वाकई वहाँ पर जमहूरियत है। आप ये देखें ना कि हमारी पंजाब और केपी की असम्बली कब से गई हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाना है, लेकिन आप देखें अब कितने दिन हो गए, तो कहाँ पर जमहूरियत है? वो शेर अफजल खान मरवत का बहुत मशहूर हुआ है, जमहूरियत तो बढ़ गई है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का, आप क्या कहेंगे? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के सलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं, तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है? सबसे तेज़ी तो नहीं, चाइना के बाद कह सकते हैं आपको, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, वो आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकॉनमी में। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है, अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये ग्रोथ रेट आप देखें, लास्ट टाइम अगर 14-15 मंथ आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का भी आप ग्रोथ रेट चेक करें तो वो 6.1 समथिंग था मेरे ख्याल में। ये मेरे ख्याल में ग्रोथ रेट तो नहीं इतना मैटर करता, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता जाता है, ये फिगर ही देने होते हैं, हो सकता है उनके कम्युनिस्ट ने कोई फिगर ही ऐसे दिए हों, लेकिन मे भी ये इस चीज़ को भी अगर आप एक साइड पर रखें तो इस चीज़ में नो डाउट कि इंडिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसके रिजर्व देख लें 600 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में। सर, इंडिया की बढ़ती हुई इकॉनमी की वजह क्या है, क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उसके 2-4 रीज़न है। एक ये है कि वो 2002 के बाद जब इधर मुशरफ की गवर्नमेंट आई थी
वो एक तसलसल के साथ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, उधर मनमोहन सिंह था और इधर हमारा मुशरफ, और उसके बाद वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, अब 10 साल तकरीबन ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। कि मुल्क में स्टेबिलिटी है, हमारे मुल्क में देखें ये तकरीबन कोई 8-10 वज़ीर आज़म इन 20 सालों में बदल गए हैं, वो इसकी भी ये भी एक रीज़न हो सकती है, स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि वो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, वो भी एक फिगर है। और दूसरा उनका जो आप एजुकेशन लेवल देखें, जो हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत अबव है, आप जो मिडल ईस्ट में चले जाएं या यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर इंजीनियर ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा, कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। तो जो मैशियत का जो है ना क्लीम के साथ भी बहुत अलग है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है। सर क्या वजह है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो अपनी ग्रोथ रेट के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और हमारी इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है? कहा जा रहा है कि कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम लोग खसारे में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, हमारी मौशियत कहाँ जा रही है? देखिए हमारी मैशियत का तो आप तलक वही कहेंगे, हमारे सियासी इलाज जो हैं, हमारे सियासतदान जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त करके नहीं राजी, इधर कुर्सी की लड़ाई है। जब ये कुर्सी की लड़ाई ख़त्म होगी, जो वाम जिस बंदे को वोट देगी वो बंदा आगे आएगा और एक पॉलिसी बनाएगा और उसको लेके नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसको आगे लेके चलेगी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी माशी अल्लाह से स्ट्रांग होगा और जो हम कशकोल ठाए बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कशकोल जो है ना हमारे टूटने वाला है, लेकिन उसमें सबको इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा और उसके तहत मैशियत को आगे लेके चलना पड़ेगा। सर आपका नाम? कैसर गिल मेरा नाम है। सर इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखिए, एप्पल फ़ोन जो है खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे, हमारा जीडीपी चला गया। तो गाइस आप लोगों ने पाकिस्तान का तो रिएक्शन देख ही लिया, उनके क्या क्या रिएक्शन है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़ चुकी है एंड गाइस सीरियसली 3rd नंबर पे आ चुका है इंडिया इकोनॉमिक के मामले में। एंड गाइस इंडिया को ना क्रिकेट में जब क्रिकेट हुआ था तो भी गाइस इंडिया को 66,000 का प्रॉफिट हुआ था, करोड़ का हुआ था, तो गाइस 66,000 करोड़ का इंडिया को प्रॉफिट हुआ था जब गाइस वो क्रिकेट मैच हुआ था, इंडिया में ही हुआ था। एंड गाइस जो लोग थे ना बाहर से आए थे वो लोग इंडिया के होटल्स में रुके थे, तो गाइस उनका भी खुद का खर्चा हुआ था, वो भी इंडिया के पास ही आया था। एंड गाइस ऐसे ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी गाइस इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एंड गाइस बहुत सारी चीजों में प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आज इंडिया इतना आगे पहुंच चुका है। और गाइस आने वाले टाइम में ना जो भारत है वो मेरे हिसाब से तो 1 पे आके दिखाएगा इकोनॉमिक्स के मामले में, क्योंकि गाइस भारत इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है। एंड गाइस अभी 3 पे, तो गाइस आने वाले टाइम में जरूर एक दिन 1 पे होगा। तो चलो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड गाइस ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर, एंड गाइस जो भी कर रहे हैं ना नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो, जैसे कि आपके पास हमारी सारी वीडियोस आती रहे ऐसी चीजों से जुड़ी हुई, लाइक पाक रिएक्शन, पाकिस्तान के रिएक्शन से जुड़ी हुई सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो गाइस बिना देरी किए हम एंड करते हैं, बाय बाय, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।